हेलो दोस्तों, पाठशाला के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो हम आ चुके अपने नए वीडियो के साथ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DFCCL के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको पता है कि आज आंसर की आ चुकी है, तो अब स्टूडेंट्स को आइडिया तो हो गया है कि कितने उनके मार्क्स सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स गलत हो रहे हैं। तो एक ब्रॉड आइडिया तो आपको मिल ही गया है, चूँकि निगेटिव मार्किंग भी आपको पता है कि 1/4 है। तो अपने अपने मार्क्स आपने काउंट कर लिए हैं। तो बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे हैं बहुत सारे चैनल के थ्रू, तो वहाँ के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स देखने के बाद एक ब्रॉड आइडिया यहाँ से मैंने लिया है एनालिसिस करने के बाद। आप तो वहाँ से आपको देख सकते हैं कि जो कट ऑफ जो जा सकती है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। सीट्स क्योंकि यहाँ पर थी 225 सीट्स आई थी, और पता है आपको कि यहाँ पे सेकंड राउंड यहाँ एग्जामिनेशन जो है CBET जो होगा वो नहीं होने वाला है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट से मतलब कोई मतलब तो खास है नहीं, 1 लाख के अराउंड में फॉर्म फिलअप हुए थे, और अराउंड 60-70% इससे भी मतलब नहीं होगा। बेसिक मतलब है जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हीं में से फ़ाइट होती है। नो CBET टेस्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो इसमें नहीं था। ये यहाँ पर जूनियर लेवल का एग्जामिनेशन था, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट होने वाला है। DV होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, देन फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होगा प्रोसीजर। ठीक है, बात करते हैं एग्ज़ाम मार्किंग पैटर्न। तो आपको पता है GK था, लॉजिक जो रीजनिंग था, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो रहा, जनरल साइंस कोर सब्जेक्ट आपको पता है 60 क्वेश्चन इसी से आए थे। तो जो अगर इसका पैटर्न, अगर इसके पैटर्न की बात करते हैं, तो जो क्वेश्चन का लेवल जो रहा है, तो आपको यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव का पेपर हुआ था 28 तारीख को, उससे लेवल यहाँ पे हाई देखने को मिला है। तो कट ऑफ उसके रिगार्डिंग अगर बात करते हैं, जो बात चर्चाएँ हो रही थी कि 100 के अराउंड जा सकता है, 105 ऐसे करके जाने के चांसेस हैं, तो बात करते हैं यहाँ पर। क्योंकि मार्क्स मैंने बहुत सारे मार्क्स मतलब करीब बहुत सारे मार्क्स लोगों के बहुत सारे कमेंट्स बहुत सारे चैनल पर जाकर मैंने जितने देखे उसके अराउंड जो मतलब जो निकल के आ रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो वो देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव OPBD के, ये मेरे हिसाब से है। जनरल की जो अगर कट ऑफ जा सकती है 84-87 के अराउंड में आपको देखने को मिल सकते हैं। EWS की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 78-71 ये OBC और EWS के अराउंड करीब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। OBC की भी इसी तरह है, 79-82 या 83 अराउंड की रेंज में जा सकती है। कुछ अगर बढ़ना देख सकते हैं इसके अराउंड कि बढ़ भी सकता है, लेकिन इतने के अराउंड में जाने के चांसेस हैं। SC की बात करते हैं तो 73-76 के अराउंड कट ऑफ जा सकता है। ST की बात करते हैं तो 71-74 के अराउंड जा सकता है, और PWD की बात करते हैं तो 55 के अराउंड प्लस में मान सकते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक मैंने आपसे अभी बात की थी कि वेटिंग लिस्ट का यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा, तो इसकी भी बात होगी। क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर जो फॉर्म फिलअप हुआ था, तो आपको पता है कि दोनों जगह फॉर्म फिलअप हुआ था। जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी जो पोस्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, वो ग्रेजुएशन वाले फॉर्म फिलअप कर सकते थे। तो जिन्होंने एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिलअप किया है, उन्होंने बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने जूनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिलअप किया है, और बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट ने अपने जो जो मार्क्स शेयर किए हैं उनमें कॉमन लोगों का जो है मार्क्स लगभग बराबर जा रहा है। जैसे किसी का 80 अगर इसमें है, जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं, 82 आपको एग्जीक्यूटिव वाले में मिल रहा है, तो वही 78-79 के अराउंड में आपको उस वाले में मिल जा रहा है। इस तरह वाले कमेंट्स बहुत सारे देखने को मिले, मतलब दोनों में सिलेक्शन होने की उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो प्रेफर कौन स्टूडेंट कौन सा करना चाहेगा, वो आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव को ही करेंगे। तो यहाँ जूनियर वाले में उनको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी, उसमें नो डाउट। तो जो स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पोस्ट खाली होंगी, और यहाँ पे 1-2 महीने जो रिज़ल्ट हो जाएंगे, 1-2 महीने के करीब आपको इसकी सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। जैसा कि 2018 में भी आपको देखने को मिला था ये जूनियर वाले एग्जामिनेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशन में जो रिज़ल्ट आया था। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग एग्जीक्यूटिव की जो कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि इसमें पता है कि इसमें CBET राउंड जो है, सेकंड राउंड जो है साइको टेस्ट का, वो राउंड होना बाकी है यहाँ पर। तो कट ऑफ अराउंड पिछली जितनी कट ऑफ गई हुई थी, तो उसी के अराउंड जाएगी 2018 में, जो आप पिछला आप उठाकर देख सकते हैं उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, नहीं जो कट ऑफ आई थी, सॉरी एक्सपेक्टेड की बात नहीं करते हैं, आप देख सकते हैं, सॉरी अभी हम लोग देख ही रहे थे वहाँ पर 73 के अराउंड में जनरल का गया हुआ था। OBC की बात करते हैं तो 67 के अराउंड कट ऑफ गई थी। SC की बात करते हैं तो वहाँ 64 के अराउंड में कट ऑफ था। ST की भी बात करते हैं तो वहाँ 63 के अराउंड कट ऑफ था, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये और यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकती है, जैसा कि स्टूडेंट के मार्क्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है 227 के अराउंड में, एक सेकंड, सीट जो है 237 के अराउंड में है, और स्टूडेंट आपको ले रहे हैं 80-96 करीब,
1896 स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट होकर, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ भी जा सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 से 75 के अराउंड में। ओबीसी की बात करते हैं तो 67 से 70 के अराउंड में जा सकती है। ईडब्ल्यूएस वही दोनों अराउंड अराउंड सेम होने के चांसेस है, 68 से 71 के अराउंड में यहाँ जा सकती है। एससी की बात करते हैं तो 62 से लेकर 65 के करीब में जा सकती है, जैसा पहले था उसी के अराउंड में ये रिवॉल्व होता नज़र आएगा, या एक दो नंबर आगे पीछे होने के चांसेस हैं। जैसे कि यहाँ पर 64 गया था तो 65 या 66 के अराउंड में आपको देखने को मिल सकता है, तो 62 से 65 तो करीब सही सही है, यहाँ के अराउंड में देखने को मिल सकता है। एसटी की बात करते हैं तो 59 से 62 करीब जा सकता है। पीडब्ल्यूडी 53 और यहाँ पर आप 50 प्लस भी यहाँ पर आप सेफ मान सकते हैं अपने आपको, ठीक है। आप मतलब उसकी तैयारी कर सकते हैं 50 के अराउंड में। यहाँ पे आइडिया नहीं मिल पाता है कितने स्टूडेंट ने फिलअप किया है, तो यहाँ 50 के अराउंड प्लस में है, तो आप तैयारी ज़रूर करें 48, 49, 50 के अराउंड में जो भी हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ कुछ कमेंट्स देख सकते हैं जहाँ तक, तो ये कुछ ये भी प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट के साथ जो है मार्क्स फॉर रिव्यू वाला, बहुत सारे स्टूडेंट ने वो जो है इसकी इंस्ट्रक्शन आई हुई थी, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन में ही क्लियर मेंशन था कि मार्क फॉर रिव्यू का है, वो जो है इवेल्युएशन नहीं होगा, वो चीज़ें रिवॉल्व हो रही थी पूरी जगह, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें भी थोड़ा मात खाए हैं, ठीक है, क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू का जो है वो इवेल्युएशन नहीं होगा, कोई भी मार्क्स उसमें नहीं जुड़ेंगे ना कटेंगे। यहाँ देख सकते हैं कुछ कमेंट्स, बाकी आपको जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव वाले जो पोस्ट हैं आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव की बात है, यहाँ पे ग्रेड सैलरी ज़्यादा होगी तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रेफर करेंगे, ना कि जूनियर वाले में। जूनियर वाले का सीट यहाँ पर वैकेंट होगा उसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट का बेनिफिट मिलेगा, आपको 2 से 3 मंथ के अराउंड में आपको वेटिंग लिस्ट भी दिखाई देगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट के स्कोर इतना से थोड़े बहुत कम होंगे, जो फाइनल आ जाएगी, जो फाइनल आपकी रिज़ल्ट आएगी उसके बाद भी आपके पास होप ज़रूर बचा रहेगा, ठीक है। उसमें एक दो नंबर अगर आप आगे पीछे हैं, फाइनल जो आंसर जो फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद भी आपके चांसेस बने रहेंगे एक दो नंबर आगे पीछे वाले, ठीक है। तो यहाँ पर RTI करके आप ज़रूर अपने स्कोर भी पता कर लेंगे, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि आपके भी मार्क्स आ सकते हैं। और ईमेल अपडेट ज़रूर करते रहें, क्योंकि ईमेल पर ही मैसेज आते हैं। पिछले बार में यही हुआ था कि ईमेल पे जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले थे, डायरेक्ट बहुत सारे एग्जीक्यूटिव वाले जो थे पोस्ट, उनमें ईमेल से ही उन लोगों को सूचित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो सब ध्यान रखेंगे, ईमेल हमेशा रेगुलरली चेक करते रहेंगे रिजल्ट आने के बाद, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, और इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के लिए भी बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए, और अगर आपको कट ऑफ से थोड़ा सा सर्टिफाई नहीं है तो कृपया करके आप अपना अपने हिसाब से जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो ज़रूर शेयर करें। मैंने बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर चेक करने के बाद किए हैं, अगर आपको सही पसंद लगा होगा जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।